आज मुजफ्फरनगर में दौरा है, लगातार अलग अलग जगहों के कार्यक्रम थे, किस तरह के कार्यक्रम रहे आज? देखिए अभी तो यहाँ बोकर हेड़ी में हैं और यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की एक जो मूर्ति स्थापित हुई है बोकर हेड़ी इंटर कॉलेज में, ये बड़ा प्रभावशाली गांव है, चौधरी साहब की कर्मभूमि रही है, लोग बहुत सम्मान उनका आज भी करते हैं, तो एक मौका मिल रहा है लोगों के बीच आने का। रालोद से बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है और पार्टी को ही लेकर उन्हें बयान भेजे, क्या कहना है उसको लेकर? देखिए पार्टियां नेताओं से नहीं चलती, पार्टियां विचारों से चलती हैं। पार्टी हमारी स्थापित है किसी भी विचारधारा को लेकर, जो उस विचारधारा को मानते हैं वो दल में है, सीधी सी बात है। और लोग बदलते रहते हैं, लोग आते हैं, लोग से कोई बात नहीं। चौधरी साहब, तीन राज्यों में चुनाव हुए हैं, कल रिजल्ट आने हैं, किस तरह की उम्मीद आप लगा रहे हैं? देश के लिए अच्छे नतीजे आएंगे और सरकार जो किसान विरोधी और जन विरोधी कार्य कर रही है उनको एक आईना दिखाई देगा। और राजस्थान के विषय में कह सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि एक बार फिर सरकार हमारी आएगी, लोकदल का एक विधायक जो इस बार लड़ रहे हैं वो जीतेंगे। 2024 का चुनाव, 2024 का चुनाव नजदीक है, किस तरह की तैयारी लोकदल की है? तैयारी ठीक है, दिखाई देगी। मुजफ्फरनगर में सपा और रालोद में अलग पार्ट हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं।